नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, हर वर्ष की 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे हम अपने इंडिया में मनाते हैं, लेकिन बिल्कुल से ये विदेश का त्योहार है, विदेश का दिन है। फिर हम भारत में इसको क्यों मना रहे हैं? और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति का कहीं ना कहीं अनुकरण हो रहा है, ये बात सबको कहीं ना कहीं खिटक रही है। बिल्कुल से कुछ हिंदू संगठन है जो इस दिन का विरोध करते हैं कि ये दिन जो है हमारे भारत का नहीं है, हमारे भारत के कई और सारे त्योहार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज का यंगस्टर जो है उसमें वैलेंटाइंस डे का क्रेज ज्यादा है, और वो यही कहते हैं कि बिल्कुल से अगर प्रेम की अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्र अधिकार सबको है तो इस दिन को हम अपने भारत देश में क्यों नहीं मना सकते हैं। तो दर्शकों, क्या प्रेम की परिभाषा बदल गई है? क्या प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं रहा है? अब गिफ्ट्स, फूल और कार्ड्स का हो गया? सिर्फ यही चीजें देने से क्या प्रेम अभिव्यक्त होता है? दर्शकों, इसी विषय पर चर्चा करनी है हमारे दर्पण में। दर्पण में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किया है रुझान खंबाता, के जो सोशल एक्टिविस्ट है। रुझान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और उन्हीं के साथ हैं सोनल जोशी, के जो एक एडवोकेट भी है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। सोनल जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। रुझान जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, पश्चिम का त्योहार है भारत में, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं है, कई सारे दिन है जो भारत में हम मनाते हैं, क्या कहेंगे वैलेंटाइन डे के बारे में? सबसे पहले तो ये पश्चिम का त्योहार है, अपने ग्लोबल विलेज बन गया है, अपनी ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है। अब ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का भूल जाओ, पहला पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक हम त्योहार मना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, इन टर्म्स ऑफ कि हम मदर्स डे भी मनाते हैं, जो आप बोलोगे पश्चिम से आया है, फादर्स डे भी पश्चिम से आया है, तो ये थोड़ी ना होता है कि एक हम एक इट्स सी एज सच इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और अलग अलग जात प्रात के लोग रहते हैं, तो उसमें ये हमारा त्योहार, हमारे सबसे आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा त्योहार इंडिया में मनाते हैं, तो यू नो, सो इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक पश्चिम का त्योहार, जो आप पश्चिम कर रहे हो, तो ठीक है, एक्सेप्ट करती हूं मैं, तो मनाते उसमें कोई गलत नहीं है। अगर अभी आपने दूसरा स्टेटमेंट रखा कि जो प्रेम की परिभाषा सिर्फ कार्ड्स और गिफ्ट से, तो प्रेम की परिभाषा और किस रीत से दी जाती है? कार्ड, गिफ्ट, केक, उसी तरह से तो दी जाती है, तो उसमें गलत क्या है? फिर अगर आप अगले से किस करोगे तो बोलोगे अरे ये तो इस तरह प्रेम की परिभाषा देते, तो अगर इस तरह करते तो आपको तो हर तरह बोलना है। तो सबसे पहला मेरा ऐसा कहना है कि जो वैलेंटाइन डे है, जिस तरह आगे मैं डिस्कस करूंगी कि क्या नहीं, क्या गलत है, वो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहती हूं कि जो वैलेंटाइन डे है और जिस तरह हम लोग मना रहे हैं, जिस तरह सबके दिलों में खुशी है, आनंद है, तो जिस तरह होटल वाले या गिफ्ट वाले पैसा कमा रहे हैं, तो वो एक अपनी जगह ठीक है। जी रुझान जी, आपके पास आना चाहूंगी। हम अपने जो वडील होते हैं, हमारे दादा दादी या हमारे परदादा होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। अगर वो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते थे तो करते हैं, अगर वो मंदिर में सबसे पहले दिया जला के बाद में ही कुछ पानी या चाय लेते तो वो भी हम अनुकरण करते हैं, तो अगर हमारे परदादा या हमारे दादा दादी वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट करते थे तो हम क्यों कर रहे हैं? तो वो यार ये तो हद हो गई, अगर हम वो दिया नहीं जलाते तो आप बोलते देखो कैसी बावड़ा हो गया, ये संस्कृति कैसी हो गई कि लोग दादा दादी दिया जलाते और ये लोग नहीं दिया जलाते थे। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो लोग करे वो करना चाहिए और नहीं करे वो नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें अच्छी चीजें लेनी है। तो कमिंग बैक टू, अगर वो लोग वैलेंटाइन डे, क्योंकि उस वक्त आई थिंक वैलेंटाइन डे भी बहुत टाइम के, मीन इतना कोई बहुत सालों से नहीं है, कुछ सालों से ही है, तो और जो उनका जो फंडा है कि वो सेंट वैलेंटाइन थे और उसने प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दी, के जो सब उसका फंडा है, तो अगर हम लोग एज इंडियंस अगर वैलेंटाइन डे मनाते हैं तो उसमें गलत क्या है? यार अगर आपको चाहिए तो कोई अच्छा नाम दे, तो उसमें क्या गलत बात है? लेकिन आप मनाने में क्यों उसके पीछे पड़ते हो कि भाई नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि आप जी बिल्कुल से बिल्कुल सोनल जी क्या कहेंगे, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, आप क्या बिल्कुल खिलाफ हूँ, नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं कि एक ही दिन प्यार करने की अभिव्यक्ति करने की बात हो रही है, इन्होंने बोला कि पहले के जमाने में नहीं था, दादा दादी के समय में नहीं था, तो प्यार क्या वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था? और हीर रांझा थे हमारे, वहाँ पे भी कितने लोग प्यार के लिए मरे हुए हैं, बलिदान दिए हुए, उनके ऊपर तो कोई डेज बने नहीं हुए। एक पर्टिकुलर ये नहीं होना चाहिए, पश्चिमी संस्कृति का मतलब ये पूरा अनुकरण हो रहा है और वो बंद ही होना चाहिए। प्यार था, कृष्ण राधा में भी प्यार था, पहले भी अभिव्यक्ति थी, उसमें ना पहले कोई कार्ड्स थे ना कोई कुछ हर चीज की कुछ जैसे खत थे, वहीं से भी अभिव्यक्ति होती थी। यहाँ पे वो इन्होंने अभी उन्होंने खुद ही बोला कि कार्ड बांटे और होटल वाले के पैसे उनके बिजनेस की वजह से, तो उन्हीं की वो कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं किसी चीज का, और उसमें जो हमारा युवा धन है वो मतलब सोचे बिना क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और कई बार कहीं लड़कियों को मैं यही बोलूंगी इस आपके मन से कि 14 फेब की वजह से इतने किस्से बनेंगे, वहां पे उस दिन का क्राइम भी बढ़ेगा, लोग छेड़छाड़ करेंगे, कहां से जहां नहीं भेजने चाहिए वो भी अपशब्द भी लिखते हैं, कार्ड करते हैं, छेड़छाड़ी होती है, हर चीज होती है, चीज होनी ही नहीं चाहिए। प्यार की अभिव्यक्ति पूरे साल मना सकते हो, ऐसी बात नहीं होती किसी ने बोल दिया कि भाई 14 फेब है, उसी तरह से वैलेंटाइन डे उसी दिन आपको शादियां हो रही है, उसी दिन एंगेजमेंट
रिंग आप हमारी एंगेजमेंट उसी दिन पे होनी चाहिए, ये सब वाहियात चीजें हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी थे उनके बीच क्या प्यार नहीं था आज तक, अगर 40-40 साल से वो एक ही छत के नीचे सब ज्वाइंट फैमिली ने अंदर रह रहे हैं और उसी की उसी उसी का प्यार देख के तो बच्चे बड़े होते हैं और ये आज आ गए खड़े होके कि भाई हम 14 वे पे आपको प्यार का इजहार करना है, उसी दिन जाके आपको कार्ड बांटने हैं, फ्लावर्स देने हैं, परफ्यूम्स देने हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और मैं सरासर विरोध करती हूँ। प्यार के दिन कोई एक दिन कभी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए कि एक ही दिन में ये प्यार की अभिव्यक्ति हो सकती है। 365 दिन है, आप जब चाहे जब मर्जी एक एक नेचुरल देंगे, कब आपको इजहार करना है, जब प्यार हुआ तब आप प्यार का इजहार कर सकते हो। उसकी वजह से 14 पे आप वेट करोगे कि उसी दिन आओगा और हम जाके उसी दिन इजहार करेंगे, उसी दिन हम उनको रिंग देंगे या फ्लावर्स देंगे, कार्ड देंगे, तो ये सारा सब बिल्कुल सर इसका विरोध इस प्रकार से होता है क्योंकि आजकल स्कूल के बाहर भी हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन रेड रोजेस वाले खड़े होते हैं, आजू बाजू जो कार्ड्स की दुकानें होती है उसमें जो जो पढ़ाई करने की उम्र होती है उसमें प्रपोज करते हैं, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है क्योंकि वैलेंटाइन डे की वजह से हमारा युवा धन जो बिगड़ रहा है, हमारा भविष्य बिगड़ रहा है। सबसे पहले ये मैडम जो कब से बोल रहे हैं वो लॉजिक ही गलत है, बोलते कि मैं वैलेंटाइन नहीं सेलिब्रेट करता, तो भाई रक्षाबंधन भी तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मदर्स डे फादर्स डे भी तो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें गलती क्या है? और उनका कहना सही है कि प्यार या प्यार बोलो या अगर जैसे पूरा साल अपने को अभिव्यक्ति करनी तो वो तो हम करते ही है, जैसे बर्थडे है ऐसा थोड़ी बोलते कि आज बर्थडे है तो भाई आज क्यों सेलिब्रेट करते, पूरा साल आप 365 डेज या वुमेंस डे तो 365 डेज, ये अगर ये एग्जांपल है तो इस एग्जांपल के मैं और अनलिमिटेड एग्जांपल्स दे सकूंगी। सो लॉजिक इसमें नहीं बैठती है, लॉजिक रक्षाबंधन हिंदू संस्कृति की बात है, रक्षाबंधन तो हमारे भाई बहन के प्यार का त्योहार की बात है, ये तो बात अलग हो गई है। भाई बहन प्यार दिखा सकते हैं, नहीं वो दे सकते हैं, भैया दूजे वो त्योहार में आते हैं, भारतीय संस्कृति के त्योहार है। अपने ग्लोबल विलेज बन के जब हम हमारे बच्चों को फॉरेन भेजते पढ़ाई करने के लिए, फॉरेन जाएगा जाना पड़ेगा तब आपको इंडियन संस्कृति याद नहीं आती है, और अभी आपको इंडियन संस्कृति याद आती है। नहीं भेजना चाहिए वहाँ पे पढ़ के, अगर वहाँ जितने भी लोग हैं मैं तो उनको भी बोलूंगी वहाँ पे पढ़ के नेताओं से चालू करो, तो नेताओं से चालू करो, सब नेताओं के बच्चे फॉरेन जाते हैं और इतनी हद तक के हमारे नेता दिखाते हैं मेरे पास फॉरेन की डिग्री है, झूठ सच बोलते हैं, चालू करो। गलत ही होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो करते हैं वो गलत होना चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हूँ और उसी की बात कर रही हूँ, अगर फॉरेन पढ़ने भी जा ऐसे तो महात्मा गांधी भी वहाँ पे पढ़े थे, सब छोड़ के उन्होंने यहाँ पे देश आजाद करवाया। चलो आपका ये जो आप जो वहाँ पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं तो मदर्स डे फादर्स डे भी वहाँ से आया है, तो आप लोग तो वो भी मनाते हो, कहाँ मनाते हम लोग नहीं मनाते, हमारी संस्कृति में रोज सुबह बोलने से थोड़ी नहीं मनाते, अगर मदर नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं क्यों गलत बोलूंगी, ये ऑन रिकॉर्ड है, मदर्स डे से जानते हो कि मैं मनाती हूँ, मदर्स डे मेरे लिए तो पूरा मातृ पितृ का रोज एवरी डे करते हैं। अभी मैं किसी पर्सनल से बात नहीं कर रही, अभी मैं एक साइड से बात कर रही हूँ, जो साइड बोलती है कि वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए, मैं उस साइड से बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं आपने बोला मदर फादर्स डे के लिए तो मैं भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाती हूँ यार, लेकिन अभी मैं वैलेंटाइन डे के फॉर्म में हूँ कि इसमें कोई भी गलत नहीं है कि अगर वो लड़का लड़की अपने प्यार की अभिव्यक्ति, और दूसरी बात आप सलाह हमेशा ले प्यार का मतलब वो गलत रीजन में क्यों ले, तो माँ बाप वो भाई बहन का प्यार होता है, अपने फादर डॉटर का प्यार होता है, तो आप उस तरह एक मिनट आप उस तरह क्यों नहीं ले सकते, आपको बस एक ही वो सेक्स सेक्स ही याद आता है क्या? तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम यही है कि आप जो बोले बच्चों को उन्होंने बोला स्कूल के बाद रेड रोज लेके वो मालूम पड़ जाता है क्या है रेड रोज लेना मैडम? गलत ही है। लड़की को भी रेड रोज देती है यार, वो बात अलग है, गलत क्या है यार? अरे अच्छा अच्छा दिन जाता है, कम ऑन। अच्छा अब सुबह सुबह लेटर से एग्जाम्पल है, हम सुबह कहा निकलते हैं, हमारे माली हमें कोई गुलाब का छोड़ा गुलाब के जो भी फूल होता है हमें देता है, तो उसका गलत क्या? इट्स अ गुड फीलिंग। आपके वैसे आप लोगों की दृष्टि ऐसी है, आपकी दृष्टि सुधार हो सकती है, हमारी दृष्टि सही है, मातृ पितृ पूजन रोज करना चाहिए। नहीं नहीं मदर फादर्स की बात करें तो माँ बाप का रोज पैर छूना चाहिए, वो हमारी संस्कृति बोलती है, उसके लिए एक ही दिन मिला, इसको क्या लेना देना, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने बोला कि छूना नहीं चाहिए पैर, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। नहीं नहीं आप बोलो एक ही दिन मदर्स डे फादर्स डे एक ही दिन कार्ड लेके हम मनाते हैं, जबकि मदर्स डे फादर्स डे फॉरन का त्योहार है फिर भी हम मनाते हैं, उसी पॉइंट पे मैं तो बोलती हूँ उसका भी विरोध होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए, वो बात ठीक है, तो अगली बार इनको बुला लेना मदर्स डे के दिन। आई विल एक दूसरी बात करना चाहूंगी कि हिंदू संगठनों द्वारा विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि अलग अलग कार्ड्स पढ़ते हैं, आपने जैसे बोला कि रेड रोज दिए जाते हैं, स्कूल में जब पढ़ाई की उम्र होती है तब एक लड़का एक लड़की के जो अभी तक 17 साल के भी नहीं हुए हैं, शायद उनके घर पे माता पिता को भी नहीं पता होगा कि वो किसी को अपना
भविष्य में अपनी पत्नी बनाना चाहता है या क्या बनाना चाहता है, तो फिर माता पिता को छुपा के ये स्कूल मतलब थोड़ी शादी हो जाती है जी। नहीं यार, मैंने कितने रेड रोज लिए, तो मेरी तो कितनी शादी हो गई, कैसी बात जी है? जी नहीं रुझान जी, लेकिन ये आपकी मेंटालिटी से बाहर आ गई है। अभी यहाँ पे मेंटल एक लड़का चार लड़की को रेड रोज देता है तो चारों से शादी कर लेगा क्या? आइए आप लोग मेरे साथ, रेड रोज देना यानी यू आर एप्रिशिएटिंग यू आर नो। अरे यार रेड रोज मतलब शादी नहीं है, रेड रोज रेड कलर होता है वो प्यार की अपनी मिली नहीं मिली के रेड रोज का मतलब प्रपोजिंग, तो तभी तक तो मेरी 10 बार शादी हो जाती, कैसी बातें करते हैं आप? लिखा वो के बाद येलो यानी फ्रेंडशिप, व्हाइट यानी शादी, एक लड़का चार नहीं व्हाइट यानी पीस होता है, येलो यानी फ्रेंडशिप होता है, मुझे बताओ ना, रेड यानी लव होता है, दोस्त दोस्त में लव क्यों नहीं हो सकता है? नहीं समझते, प्लेटोनिक रिलेशनशिप जैसा कुछ सुना है आप लोगों ने? वो आप समझते, लोग नहीं समझते, सब थोड़े में ही होशियार आ रहे हैं, लोग नहीं समझते। रुझान जी ऐसे आपने कहा कि रेड रोज तो दोस्तों को भी दिया जाता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप डे के दिन दिया जाता है, वैलेंटाइंस डे के दिन क्यों? नहीं यार कम ऑन यार, आप तो सब कंफ्यूज हो गए हो, पूरे के पूरे कंफ्यूजन में घूम रहे हो यार। जी तो क्या लव का मतलब है? रेड रोज तो जल्दी प्रपोज हो गया, शादी हो गई, अरे यू आर लविंग समबडी, अगर मैं अपने मम्मी को मैं चलो कल उठ के मैं आपको रेड रोज दूंगी तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? कैसी बातें कर रही है? लड़की आया तो लव चुनो छा गया, ये कोई बात है? सी अब मैं बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ है ये मैं आपको बता दूँ, जो अपने मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, कि जो मुझे भी प्रॉब्लम है सबको प्रॉब्लम होना चाहिए, कि ये वैलेंटाइन के दिन जो थोड़े कैरेक्टर्स है इसका मिसयूज करते हैं, लड़की को वो गार्डन में लेके आया सुबह सुबह जो वो ये साबरमती रिवन फ्रंट बड़ा पॉपुलर हमारे इसके लिए, तो वो वाला गलत है, वहां पे अपना झगड़ा होना चाहिए कि ये और ये सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए 365 डे होता है, तो वहां झगड़ा अपना है। बाकी अगर आप बोलो कि वैलेंटाइन डे मनाना नहीं चाहिए तो बेसिक्स इसमें नहीं आ रहे, आपके लॉजिक्स इसमें नहीं बैठ रही है, और हमें इसको पॉजिटिवली देखना है, हमें इसको पॉजिटिवली इस तरह देखना है कि सी एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑफ पीस, पीस का साथ है, पीस प्यार से आएगी, पीस झगड़े से नहीं आएगी कभी भी, और झगड़ा और पीस का मतलब प्यार, और मैं प्यार यानी आपको वापस समझाती हूँ कि यार इट्स अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, अगर हम बच्चे थे, हम छोटे थे, हम भी छोटे से बच्चे हैं, तो हमारे भी बहुत सारे दोस्त थे, लड़के दोस्त थे, सो इट वाज अ प्लेटोनिक रिलेशन, इट डजंट मीन कि एक लड़के ने मुझे लाल रोज दिया तो मेरी उससे शादी हो जाएगी और ही इज बेडिंग मी, नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो आप लोग उस और अगर इस मैच्योरिटी, आप लोग क्या मैच्योरिटी नहीं है ना? हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारे इंडिया में हमको इतने सारे रूल्स लॉज रेगुलेशन आ गए, हम डेवलप कंट्री में आ गए, लेकिन हमारे में मैच्योरिटी नहीं आई है, इसलिए हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें हमारी जो ये नजर है वो ऐसे वो घोड़े जैसी नजर है, तो हम एकदम ऐसा ही देखते हैं और हर चीज में वो गलत ही देखते हैं, हमें उससे मैच्योर होना चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं हमारे बच्चे काफी मैच्योर हो गए, और उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग अगेन रिपीट करती हूँ कि जो गलत है वो इस तरह खूने खांचे बैठ के वो ये करने का गलत है, वरना अगर आप फुल मैदान में अगर गुलाब देते हो, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो, अगर प्यार का इजहार नहीं गुड फेथ में लव का इजहार करते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सर, सोनल जी शायद ये भी कहा जाएगा, जैसे आपने एक बार कहा कि अगर प्यार आज होता है तो 14 फरवरी की राह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में मर्यादा वाले लोग बहुत ही हैं, शायद डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, इस वजह से वैलेंटाइंस डे के ऐसा दिन है, शायद लड़का अगर लड़की के पास जाएगा लाल गुलाब लेके या कुछ भी कार्ड लेके, तो अपने आप वो शब्दों में उसको ढालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको कुछ मर्यादाएं नड़ती है कि मैं ये कैसे कह पाऊंगा, तो शायद लड़की सामने से ही समझ लेती है, तो वैलेंटाइन डे उनके लिए अच्छा है कि जो शायद शब्दों में अपना प्यार अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर विरोध क्यों? नहीं मैं नहीं मानती, इन्होंने बोला कि एक लड़का चार लड़की को फ्लावर्स देता है, मैं उसका जवाब दूंगी, अगर वही होता है लड़की सेंसिटिव होती है।